हेलो गाइज, वेलकम टू द डीवी गेमर। मेरा नाम है देवांश। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि आप लोग माइनक्राफ्ट में अनलिमिटेड कुकड चिकन फार्म कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको ऐसे दो चेस्ट लगानी है और उससे अटैच करके यहाँ पर एक हॉपर, ठीक है। तो मैं देखता हूँ ये अटैच है या नहीं, तो मैं दोबारा से लगा देता हूँ इसको अटैच करके। तो यहाँ पर ये अटैच हो चुका है, देख सकते हैं आप। और यहाँ पर आपको हॉपर के पीछे जाना और एक टेम्पररी ब्लॉक लगा देना है, फिर उसके ऊपर लगाना है आपको एक डिस्पेंसर। तो यहाँ पर मैं डिस्पेंसर लगा देता हूँ। फिर आपको इस हॉपर के ऊपर लगाना है एक स्लैब, कोई सा भी स्लैब लगा सकते हैं आप। और फिर इसके बाद आप इस टेम्पररी ब्लॉक को तोड़ सकते हैं। फिर आपको इस डिस्पेंसर के पीछे लगाना है एक हॉपर। तो मैं जल्दी से हॉपर लगा देता हूँ। तो यहाँ पर हॉपर लग चुका है। और फिर आप इसको मतलब किसी सी ब्लॉक से कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ग्लास से कवर कर देता हूँ उसको जल्दी से। तो यहाँ पर मैं कवर कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये कवर होने वाला है, बस रुको, थोड़ा छोटा है तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पर ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो चुका है, तो इसमें से एक गिलास को हटा देता हूँ मैं। और यहाँ पर डाल देता हूँ मैं ऊपर से लावा। उससे पहले मैं यहाँ पर थोड़ा अपना काम कर लेता हूँ, मतलब कि यहाँ पर हमको करने हैं चिकन स्पॉन। तो उसके लिए पहले मैं यहाँ पर एक मतलब चैम्बर टाइप बना लेता हूँ, जिससे वो निकले नहीं बाहर। तो यहाँ पर ये बन चुका है बस, ये नीचे से और कवर करना है। और आपको इन साइड के ब्लॉकों को तोड़ देना है। आपका मन है, अगर तोड़ना चाहते हो तो तोड़ सकते हो, वरना नहीं। अब मैं इसको नीचे से कवर कर देता हूँ जल्दी से। तो मुझे यहाँ से कवर करना है वो। तो यहाँ से भी कवर हो चुका है। तो मैं इसमें डाल देता हूँ लावा। यहाँ पर मैंने लावा डाल दिया है, देख सकते हैं आप, मतलब कि ये स्लैब के नीचे नहीं आ रहा, मतलब स्लैब से छिप नहीं रहा है ये लावा। तो यही है, मतलब कि इससे हमारे कुक्ड चिकन होंगे। तो यहाँ पर मैं पहले तो बहुत सारे चिकन स्पॉन कर देता हूँ। तो जल्दी से चिकन स्पॉन करता हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं थोड़े से चिकन और स्पॉन कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं स्पॉन कर दिए चिकन। अब इसको आपको ऊपर से ढक देना है, किसी से भी ढक सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा बिल्ड कंप्लीट होने वाला है, बस आपको यहाँ पर बनानी है एक क्लॉक। तो जल्दी से मैं ऊपर से ये रेडस्टोन लीवर और रिपीटर निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं ब्लॉक और ले लेता हूँ थोड़े से। अब इन ब्लॉक्स को आपको लगाना है यहाँ पर, ये गलत लग चुका है, तो यहाँ पर लगाना है। फिर यहाँ पर अब यहाँ पर बनानी है आपको एक क्लॉक। तो यहाँ पर आप ऐसे करके क्लॉक बना सकते हैं। फिर आपको इसको रेडस्टोन से कनेक्ट कर देना है। फिर आपको यहाँ पर एक ये फुल टिक्स कर देने हैं, मतलब चार टिक दे देने हैं इसको। फिर यहाँ पर आपको एक लेवर लगाना है, उसको ऑन करना है, फिर संग के संग तोड़ देना है, ठीक है। तो हमारी क्लॉक यहाँ पर रेडी हो जाएगी। और यहाँ पर आपको लगाने हैं रेड स्टोन। तो पहले तो इसको बताता हूँ। हाँ, यहाँ पर लगा दिया मैंने रेड स्टोन। रुको, ये थोड़ा फास्ट जा रहा है। तो यहाँ पर मैं एक और रिपीटर लगा देता हूँ, जिस जगह ये स्टोन का ब्लॉक है इस तरफ। तो यहाँ पर ये बन चुका है, बस मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अब ये कैसे वर्क करता है। देखो, पहले तो इसको भगाता हूँ मैं, निकल, पहली फुर्सत में निकल। तो यहाँ पर ये मर चुका है, चलो हो अब, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुका है, बस मतलब हो चुका है। अब आपको दिखाऊंगा ये कैसे वर्क करता है। तो पहले तो मैं अपनी इन्वर्टर को खाली कर लेता हूँ।
खाली हो चुकी है। चलो रुको, मैं पहले तो एग ले लेता हूँ, फिर आपको दिखाऊंगा। मतलब कि जो जो एग हैं उस चिकन चिकन हमको एग देंगी, वो हॉपर में जाएंगे, यहाँ पर हॉपर से फिर डिस्पेंसर में जाएंगे, डिस्पेंसर उनको ऐसे छोड़ेगा जैसे ये आ रहे हैं, फिर यहाँ पर से चिकन स्पॉन होंगी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये लावा से जल नहीं रही हैं, तो जैसे ये बड़ी होंगी यहाँ पर लावा से जलेंगी और ये मर जाएंगी। तो आजकल वैसे इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों का शेयर जरूर करें। धन्यवाद।